69 दिन हो गए हैं आज हमें इस धरने को, और सरकार कोई ठोस डिसीजन नहीं ले रही हमारे लिए, जिससे सभी युवाओं में आक्रोश है। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहूँगा कि इन युवाओं पे आप जुर्म ना करें और इन्हें पुनः बहाल करें। आखिर ये किसान के बेटे हैं, तभी आज 69 दिन से यहाँ टिके हुए हैं। अगर किसी राजनीतिक पार्टी के होते तो एक दो दिन करके निकल जाते। मैं पुनः सरकार को निवेदन करूँगा कि आप हम सभी को बहाल करें और हमारे रोजगार को पुनः आगे बढ़ाएं और हमारे पेट पे लात मारने का काम ना करें। 70 दिन का लमसम यहाँ धरने पे हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक हमारी कोई सुध नहीं ले पा रही। और हमारे आपको बता दो, 5 भाई जो लगातार 6 दिन से बाबा करोड़ी लाल जी के दरबार में पड़े हुए हैं, दरबार का मतलब यानी घर पे पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ भी अभी उनकी कोई सुध नहीं जा रही। और हमारी जो बहन है उनकी लगातार तबीयत खराब हो रही है, और उन अभी तक तो सुनने में ये आ रहा है कि आपकी फाइल आगे पहुंच गई है, पता नहीं है, तो या तो चुनाव के जरिए हमारे लॉलीपॉप देने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से इस बार हम कोई लॉलीपॉप नहीं लेना चाहते, क्योंकि पिछली बार हमने जब धरना दिया था तो 7 दिन का हमको एक मीठी गोली दी गई थी कि आपको 7 दिन में आपका CM से रेलीगेशन करा देंगे, आप फर्स्ट कैबिनेट में आपकी बात रखेंगे, फर्स्ट कैबिनेट में आपकी बात को हम आगे पहुँचाने का काम करें। लेकिन अभी सब कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं है। तो माननीय मैं भजन लाल से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनाव को देखते हुए आप हमारा एक सही फैसला करें। आप बात करते हो 2.5 लाख रोजगार देने, कहाँ है आपका रोजगार? आप बात करते हो नारी शिक्षा देने, कहाँ है आपकी नारी शिक्षा? आपकी सरकार जब राजस्थान में आई थी तो आपने वादा किया था हम युवाओं को रोजगार देंगे, और आपकी सरकार ने आते ही 5,000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये घटना एक राजस्थान को नहीं समझ भारत के लिए एक दिनदायक घटना हो गई है। और हमने कहीं ना कहीं 70 दिनों में एक हमारे साथी को खोया है। सरकार से मैं मांग करना चाहता हूँ, हमारे साथी को तो आप लौटा नहीं पाओगे, लेकिन जो हम ऊर्जा के साथ यहाँ बैठे हुए, जिस आज के साथ यहाँ बैठे हुए, वो आज हमको दीजिएगा, और इस होली के पावन अवसर पर हमको एक नई कुशल लाने का प्रयास करें सब। जैसा कि आपको पता है हमारा धरना चल रहा है, 70 दिन हो गए हमारे धरने को, और अभी तक भी सरकार का कोई फैसला नहीं आ रहा हमारे लिए। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन हमारी कोई खुशियाँ हमें वापस नहीं लौटाई जा रही है। और हमारा यही कहना है मोदी जी से और भजन लाल जी से कि जब तक आप हमें बहाल नहीं करोगे तब यहीं बैठे रहेंगे, लेकिन हम युवा हैं और युवाओं का जो हौसला है वो हमेशा बरकरार रहता है और दिन ब दिन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो जितना जल्दी हो सके हम बहाल कीजिए, यही निवेदन है हमारा। शासन नहीं, सम्मान चाहिए हमें, हमारा पुनः काम चाहिए। हम यहाँ 69 दिनों से हमारे घर परिवार छोड़ के यहाँ धरने पर बैठे हैं, और इसी धरने के तहत हमने हमारा एक भाई को खो दिया, और एक भाई ने हमारी माता जी को खो दिया जो यहीं पर उपस्थित थे, और उनकी गैर उपस्थिति में उनकी माता जी का देहांत हो गया। हमें बड़े दुख की घड़ी है, हम है ना आर्थिक और मानसिक शारीरिक यहाँ पे पड़ताड़ना झेलनी पड़ रही है, लेकिन भजनलाल सरकार ने अभी तक कोई भी पॉजिटिव मोड में नहीं आई है, सिर्फ आश्वासन आश्वासन आश्वासन। हमें अब आश्वासन नहीं चाहिए, हमें हमारा काम और सम्मान चाहिए। मैं मोदी सरकार से और भजनलाल सरकार की डबल इंजन की सरकार से गुजारिश करता हूँ मैं कि जल्द से जल्द हमें बहाल करें, ताकि हम हमारे परिवार की जो चेहरे पर जो उदासी छाई हुई है, हम वो खुशहाली लेकर हम हमारे घर वापस जा सकें। आज हमारे हो गए लगभग 2.5 महीने हो गए हम यहाँ पे बैठे हुए। आज हम देखो खाना एक टाइम खा रहे, 2 टाइम नहीं एक ही टाइम खाना खा के हम हमारा गुजारा कर रहे, और यहाँ पे रहना नहाना धोना हर चीज का पैसा लग रहा है। तो आज हमको भजनलाल सरकार ने जैसे कि हमको इस तरह से बिठा दिया, जैसे कि हमारे घर पे बच्चे छोड़ के हम यहाँ पे बैठे हैं, हर चीज यानी हम यहाँ पे बना रहे। आज हमारी कितनी प्रॉब्लम है, जहाँ बच्चे छोड़ के बैठे हुए, ठंड में बारिश में हर तरह से बैठे हुए, आज भी सरकार गुंगी बेरी सरकार आज भी हमारा नहीं सुन रही है कि आज इतनी महिला बैठी है, छोटे बच्चा लेके बैठे है, आज भी उनको सुनने का कोई नाम ही नहीं है। अगर उनको नाम से प्रॉब्लम थी तो नाम चेंज कर दे, भजनलाल रख दे या कुछ भी नाम रख दे, उनको नाम से प्रॉब्लम थी नाम चेंज करके। आज हमारे 2.5 महीने से ऊपर हो गए और कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर एक महिला की क्या प्रॉब्लम होती है वो आप भी समझ सकते हो। आज ये सरकार ये बोलती है कि हम महिला के लिए सब कुछ कर रहे, आप भी देख रहे हो कि महिला के लिए क्या क्या सुरक्षा है, बताओ मेरे को। आज महिला खुले में ना रही है, कोई महिला खुले में कपड़े भी वो सुखा रही है, क्या सुरक्षा है महिला की? कहीं जा रही कहीं आ रही, खुले में सो रही है, कुछ तो देखे ना, अभी तक सुनने का कोई नाम नहीं, वो कोई नमूना यहाँ पे ऐसा नहीं है पूछने के लिए, कुछ भी नहीं आज तक। तो सर इसमें यानी सरकार क्या नहीं हमारे लिए कुछ सोच ही नहीं रही है। बस हम तो यही चाहेंगे कि हमको जल्द से जल्द हमारा सुने और हमारा कुछ निराकरण करे, बस हम तो यही चाहेंगे।